हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इनर लाइन परमिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो इसका स्टेटमेंट सेकेंड है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। ये जो इनर लाइन परमिट है, ये भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, ठीक है, ना कि राज्य सरकार द्वारा। यह भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति देता है। इसे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के आधार पर लागू किया गया था। यह जो अधिनियम है, पूर्वोत्तर के पहाड़ी आदिवासियों से ब्रिटिश हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। इसके तहत दो समुदायों के बीच क्षेत्रों के विभाजन के लिए इनर लाइन नामक एक काल्पनिक रेखा का निर्माण किया गया, ताकि दोनों पक्षों के लोग बिना परमिट के एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश ना कर सके। ये चर्चा में क्यों है इनर लाइन परमिट? अभी हाल ही में नागालैंड सरकार ने दीमापुर जिले को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से बाहर रखने के लिए इसे इनर लाइन परमिट प्रणाली के अधीन कर दिया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, रिसेट 2BR1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इसे PSLV-C48 रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखिए, रिसेट 2BR1 जो है, यह एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह उपग्रह कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान ने अपनी 50वीं उड़ान PSLV-C48 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 9 वाणिज्यिक उपग्रहों के साथ रिसेट 2BR1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। 50वें मिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च के अवसर पर इसरो के प्रमुख डॉक्टर सिवान द्वारा PSLV-850 नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, आयुध संशोधन विधेयक 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विधेयक के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त 3 बंदूकें रख सकता है। यह बंदूकों के लाइसेंस की वैधता अवधि को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी है, ठीक है। न तो एक नौर नहीं दो। देखिए, अभी हाल ही में 11 दिसंबर 2019 को आयुध विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ है, ठीक है। यह विधेयक आयुध अधिनियम 1959 में संशोधन करता है। अधिनियम 1959 के अनुसार लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति केवल 3 बंदूकों का ही लाइसेंस ले सकता है, लेकिन अब इसे घटाकर 1 कर दिया गया है। इसमें आधिकारिक या विरासत के आधार पर मिलने वाला लाइसेंस भी शामिल है। जिनके भी पास 1 बंदूक से ज्यादा है, वो निकटवर्ती पुलिस स्टेशन या लाइसेंसी बंदूक डीलर के पास जमा कराना होगा। विधेयक 1 साल की अवधि समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर इन बंदूकों का लाइसेंस समाप्त हो जाएगा। इस विधेयक में बंदूकों के लाइसेंस की वैधता की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम वर्ष 2003 में पारित हुआ था। ऑनलाइन मध्यस्थ इकाइयों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रकाशित विवादित सामग्री से संरक्षण प्राप्त नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, न तो एक और नहीं दो। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी कानून को 17 अक्टूबर सन 2000 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को इलेक्ट्रॉनिक लेन देन को प्रोत्साहित करने, ई कॉमर्स और ई ट्रांजेक्शन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करना था। कंप्यूटर आधारित अपराधों को रोकने तथा सुरक्षा कार्य प्रणाली और प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अमल में लाया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुच्छेद 79 में अधिसूचित नियम के अनुसार सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके मंच का इस्तेमाल आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा और अपराध के लिए नहीं किया जाता। ऑनलाइन मध्यस्थ इकाइयों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा लिखे गए अपमानजनक लेख या अन्य आपराधिक मानहानि के मामलों में संरक्षण प्रदान करती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय जल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। डॉक्टर A.N. खोसला इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी है, ठीक है। देखिए, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सलाह पर वर्ष 1945 में हुई थी। केंद्रीय जल आयोग जल संसाधन के क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है और वर्तमान में यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। डॉक्टर ए एन खोसला को केंद्रीय जलमार्ग सिंचाई एवं नौसंचालन आयोग के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हैं। हमने आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 1, इथियोपिया की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब है अदिस अबाबा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, ऑरेंज बुक किस देश का आधिकारिक प्रकाशन है? इसका सही जवाब है नीदरलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के प्रावधान है? इसका सही जवाब है भाग 9। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के वर्तमान गवर्नर है? क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी नदी नमचा बरवा पीक पर यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।